और मोदी सरकार के साथ उनके प्रधानमंत्री कार्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और केंद्रीय विजिलेंस कमीशन, उनके द्वारा सीबीआई डायरेक्टर को हटाने के रात के अंधेरे के षड्यंत्र का उसकी परतें अब खुल गई। उस आपराधिक कार्य का जिसमें पार्टनर हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, पर्सनल डिपार्टमेंट, सीवीसी, उसकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। किस प्रकार से 23 अक्टूबर 2018 की रात को संविधान और कानून को रौंदने की साजिश प्रधानमंत्री कार्यालय में रची गई और उस पूरे षड्यंत्र की कहानी के एक्टर कौन थे? उसमें खुद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, पर्सनल डिपार्टमेंट और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये चारों दुर्भाग्य से शामिल थे। अब तिथियां और समय ये बताते हैं। और बगैर किसी देरी के, और ये क्यों किया गया, इसके पीछे एक ही कारण था कि 24 अक्टूबर 2018 की सुबह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं यशवंत सिन्हा जी, अरुण शूरी जी और वकील प्रशांत भूषण जी की दरख्वास्त पर जो कागजात, साक्ष्य और शिकायत सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की मेज पर उपलब्ध थे, उनके आधार पर राफेल भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज होने वाली थी। और इससे बचने के लिए रात के अंधेरे में जैसे चोर षड्यंत्र करते हैं, इसी प्रकार से मोदी सरकार द्वारा एक चोर की तरह षड्यंत्र किया गया। और वो षड्यंत्र कर रातों रात आनंद आनंद में इमरजेंसी की स्थिति में सीबीआई के डायरेक्टर को हटा दिया गया। और इस बारे में कुछ तथ्य जो अब सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध हैं, उनकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। पहली बात, सीवीसी के प्रमुख केवी चौधरी साहब को 23 सितंबर की रात को एक ऑफिशियल टूर पर डेनमार्क जाना था, जिसकी स्वीकृति बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली हुई थी। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।